बाइक आ गई तो उसको जो बैक रेस्ट है तो ये प्लेट उसमें अड़ रही है, पीछे नहीं आने दे रही बैक रेस्ट को, तो फिर इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। ये जो हिमालयन में पीछे लगी होती है ना 7 kg मैक्स वेट वाली प्लेट, इसको थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि वो बैक रेस्ट अच्छे से आ जाए, फिट हो जाए। तो इसको कट करते हैं। तो ये प्लेट में से इतना ये जो पार्ट है, ये पार्ट हटाना पड़ेगा, उड़ा देते हैं इसको, इस पार्ट को, ताकि वो अच्छे से टिक पाए उसके पीछे। चिंगारी निकल रही है इसमें तो भैया, खतरनाक है ये, लोहा है पूरा। मेरा टूल ही टूट गया भैया, गोल्ड डिस्क थी, दो टुकड़े हो गए इसके, तो नया लगाना पड़ेगा अब। तो ये दोनों एंड्स तो कट हो गए, अब इसको बेंड कर देंगे अंदर की तरफ, इसको इधर की तरफ ऐसे बेंड कर दूंगा, तो हो गया अपना काम। तो ये यू शेप में कट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर वो बैकरेस्ट का एंगल इधर ही आके पीछे हो जाएगा अच्छे से, और इसमें कलर कर देते हैं, क्योंकि ये देखो इसका कलर निकल गया है थोड़ा, ठोका पिट्टी में उसको बेंड करना पड़ा ना काट के, तो उसमें ब्लैक कलर कर देते हैं स्प्रे पेंट, वो भी रस्ट प्रूफ होता है तो पहले जैसा हो जाएगा, कोई उसका टेंशन वाली बात नहीं है। तो कलर भी कर दिया ब्लैक कलर पूरा, अभी नया जैसा हो गया, किसी को पता नहीं चलेगा, ये काम भी डन। सो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली मैं शॉप आ गया हूँ आज सुबह टाइम पर। दो दिन से, एक दिन तो छुट्टी हो गई थी, एक दिन लेट हो गया था, कल 4 बजे आया था शॉप में, और शाम की क्लासेस ली और फिर वापस घर गया। आज मैं टाइम पे आया हूँ शॉप पर, और बाइक फाइनली आ गई है, कल अच्छे से पूजा भी हो गई है। और कल एक अजीब सी घटना हुई, कल पंडित जी जो है तो उन्होंने मुझे हग कर लिया, पता नहीं वो खुश हो गए थे तो उन्होंने हग कर लिया मुझे। मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, अपन गाड़ी की पूजा कराने गए हैं, बट वो खुश हो गए थे कुछ तो हग कर लिया उन्होंने मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है भैया, क्या करें, अभी खुश हो गए पंडित जी। और प्लेट जो ले गया था उसमें थोड़ा और करेक्शन करना है, प्लेट को और काटना पड़ेगा थोड़ा अभी तो ये थोड़ा और ग्रूव जो है बीच में जो दिख रहा है आपको, ये तो ये थोड़ा और डीप करना पड़ेगा, इसको करते। अभी बाइक के पास में आए हैं, बाइक महंगी बहुत है तो सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हमने इतने सारे, ये देखो गए अभी गए और आज है शिवरात्रि, तो आज मैं जा रहा हूँ प्रियंका मैडम के घर, और हम रात भर जागने वाले हैं विद फुल फैमिली, होपफुली मैं तो जागूंगा ही, मैं तो हर साल जागता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ, तो चलते हैं उसके पहले ये लगाते हैं, फुट रेस्ट लगवाना है लेडीज़ का, और ये बैक प्लेट लगाना है। ये बैक प्लेट इसके लिए कट की थी मैंने, देखो यहाँ पे ये बैक रेस्ट के लिए, नहीं तो वो पीछे जाने ही नहीं दे रहा था उसको, एकदम परफेक्टली कट हुआ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कट किया है, सब बढ़िया। पेंट भी कर दिया वापस, किसी को पता नहीं चलेगा और ये प्रियंका मैडम कस रही है इसको, टाइट कर रही है, मैकेनिक का काम कर, मैकेनिक जल्दी करो, जल्दी करो मैकेनिक। तो इग्नाइट को लॉन्ग ड्राइव पे लाया था प्रियंका मैडम के साथ, और ये बहुत छे पे कर रही है कार तो इंजन बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, बस थोड़ा पैर पे ज़्यादा लग रहा है, इंजन गर्म हो गया, बाकी तो सब बढ़िया है यार। यूट्यूबर थोड़े पागल होते हैं, कुछ तो भी बोलते रहते बाइक के बारे में, बहुत सही बाइक है बाकी है, मज़ा आ गया इसको चला के। हमने हॉल्ट लिया है किनारा ढाबा में, जो कि हाईवे के बीच में ही है, इधर एक ढाबा है और ये हाईवे है और हमको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम यहाँ रुक के फिगर आउट करेंगे अभी। हाँ हमको नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बस लॉन्ग ड्राइव पे आए हैं, तो लॉन्ग ड्राइव पे आए हैं बस। बहुत बड़ा ढाबा है ये तो, देखो कितना सुंदर है। मेरी बताइए क्या इच्छा हो रही है,
क्या इच्छा, मेरी इच्छा हो रही है कि बाइक के पास ही कुर्सी लगा के बैठ जाऊँ, देखते रहूँ बाइक को, छोड़ने लगा के बाइक को छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। मैं सोच रहा हूँ बाइक को तंबू के अंदर ही लगा के वहीं सो जाऊँ मैं। तुम बाइक पे ही सो जाओ, एक काम कर, उधर ही घर बसा लो अपना, उधर ही रहो तुम। नहीं नहीं बाइक है, वाओ यार गाइस मस्त है। भी सनसेट भी होने वाला है, तो ये बंद क्यों करके रखे हैं लोगों ने? बंद नहीं है, कोई आया नहीं अब तक। हाईवे के बीच में आते होंगे क्या इतने लोग? हाँ बिल्कुल आते होंगे, इधर का खाना फेमस है। तुम आए हो क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोला है। तो मेरे को तो खाने की इच्छा नहीं है पर कुछ, और प्लस मम्मी ने डोसे भी दिए, बाहर का नहीं खा सकते। यहाँ गाइस यहाँ तुलसी देखो कितने अच्छे से लगाई है, कितनी सारी है। यहाँ दक्ष रखे इन्होंने देखो, डक्स के बच्चे भी हैं। हाँ ये बच्चे हैं, और ये पानी बहुत गंदा पानी है, पर वो डक मस्त है यार, बड़े बड़े हैं, पर गंदा है यहाँ पे गाइस, गंदा रखा है इन्होंने, सुसु पोटी कर रखी है जी। तो गाइस लॉन्ग ड्राइव पे तो आ गए, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आगे किधर जाना है, कि बस से विरार बीच जाएं कि गोराई बीच जाएं लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो समझ नहीं आ रहा है, तो वही प्लानिंग चल रहा है अभी, और दोनों लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास है।